हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सिलरी बड, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो एक्सिलरी बड आखिर होता क्या है? हमें इस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि एक्सिलरी बड क्या होता है, डिफाइन करो। ओके, हमें बस वी नीड टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली सो दैट वी गेट अ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट अबाउट एवरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इस सीरीज़ में और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं कि एक्सिलरी बड होता क्या है। ये मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ कि एक्सिलरी बड होता क्या है। ओके, सो और उसके फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको वो भी शो करूँगी। तो एक्सिलरी बड इज़ स्पेसिफिकली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ शूट, मतलब एक शूट यानी एक पूरी तरह से एक टहनी या ब्रांच एक छोटे से कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, जो कि एक बड की तरह दिखता है। वो असल में बड नहीं होता, मतलब देखिए बड तो इसको कहते हैं, जैसे कि ये है, ये एक बड है जो एक्चुअली में फ्लावर करता है। ठीक है, बट हमारे पास प्लांट में ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो एक्चुअली फ्लावर नहीं करते, बल्कि वो शूट बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स दो तरह के होते हैं, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई। दो तरह के होते हैं बर्ड्स, वो एक तो फ्लावर करते हैं और एक जो है वो नई ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बड है हमारा, ये तो हमारा नया फ्लावर बनाएगा, और जो बड्स नई ब्रांचेस बनाती है उसको एक्चुअली हम जो है एक्सिलरी बड कहते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं कि एक्सिलरी बड एक्चुअली में कैसा दिखता है। ठीक है, तो एक्सिलरी बड प्रेजेंट कहाँ में होता है? एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड एक्चुअली पहले से नहीं होते हैं प्लांट्स में। प्लांट जैसे ही थोड़ा मच्योर सा हो जाता है ना, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक मच्योर प्लांट है। ठीक है, ये छोटा प्लांट नहीं है, ये भी एक मच्योर प्लांट है, पर आप इसको देख सकते हो, ये एक बहुत छोटा प्लांट है ना, ये वाला, ये बहुत छोटा प्लांट है, तो इसमें एक्सिलरी बर्ड्स नहीं होंगी अभी। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स कब आती है? जब प्लांट इज़ मच्योर इनफ टू प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स और सीड्स। ओके, तो तब आती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स एक प्लांट को बुशी बना देती है नई नई ब्रांचेस निकाल के। ठीक है, तो हम अभी एक्सिलरी बर्ड देखते हैं। एक्सिलरी बर्ड एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होती है? जैसे कि मान लो ये पत्ता है ना, और ये पत्ते का एक्सिलर, ये वाला पार्ट, ये छोटा सा, ये जो पिंक सा दिख रहा है ना, ये एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं वो एक चीज़ यूज़ करते हैं, जब प्लांट का पत्ता बहुत बड़ा हो जाए, जैसे कि ये इसका पत्ता बहुत बड़ा हो रखा है, तो वो इस पत्ते को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ये पत्ता बहुत ज़्यादा मच्योर हो गया है। ठीक है, तो ये अभी पूरा पीला होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा और सूख के फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और तो उसके बाद जाके उसमें से एक नई ब्रांच निकलेगी, उसके एक्सिल से, लीव का एक्सिल ये होता है, ये उसके एक्सिल से एक नई ब्रांच निकलेगी। पर अगर हम उस पत्ते को पहले ही निकाल देना, तो वहाँ से अपने आप एक नई ब्रांच आ जाएगी, जैसा कि मैंने इसके साथ किया है। ठीक है, तो ये पत्ता है, मान लो मैं इसको निकाल देती हूँ, मैं निकालना भी चाहती नहीं हूँ, तो यहाँ से एक नई ब्रांच आ जाएगी। ये जो पिंक सा आपको दिख रहा है ना, ये एक्सिलरी बड ही है इसका। ठीक है, छोटा सा, मैं आपको इसका परफेक्ट व्यू देती हूँ एक और प्लांट में। इसकी एक कटिंग मैंने लगाई हुई थी, तो ये देख सकते हैं आप इसके टॉप की कटिंग। तो ये देख सकते हैं आप कैसे मैंने यहाँ से, देखो यहाँ पे ये जैसे पत्ते हैं ना, यहाँ पे नीचे भी इधर पत्ते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किए, वो पत्ते निकाल दिए और फिर इस कटिंग को ग्रो कर दिया। ठीक है, तो वो जो पत्ते मैंने निकाल दिए हैं ना, तो उसके जो छोटे छोटे पिंक एक्सिलरी बर्ड्स हैं ना, वो इधर आ गए। ठीक है, तो वो एक्चुअली में अब धीरे धीरे शूट्स बनने वाले हैं। ठीक है, उसके तो ये इसके यहाँ पे पत्ते भी आ रहे हैं। ठीक है,
ये देखो यहाँ से, अब यहाँ से बहुत सारी शूट्स निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी एक शूट निकलने वाली है। तो आप समझ सकते हो ना अब एक्सिलरी बर्ड एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना कि वो शूट आखिर बनता कैसे, आप पूरी प्रोसेस को अभी देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पत्ता है, ठीक है, और इस पत्ते का एक्सिल आप सब देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सिल, और यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड आप देख पा रहे हो, यही एक्चुअली में हमारी एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। तो शायद आप अभी बर्ड देख पा रहे होंगे, छोटी सी जो ये बर्ड है, ये हमारी छोटी सी बर्ड, यही हमारी एक्सिलरी बर्ड है। ये मान लो ये पूरा पत्ता है, ये पूरा का पूरा पत्ता है, और पत्ते के एक्सिल में अब शायद बहुत क्लियर व्यू आ रहा होगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारी छोटी सी एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे मैं ये लीफ निकाल लूँगी ना, जो कि मैं अभी निकालने वाली हूँ, और मैंने बहुत टाइम से निकाल भी रखे हैं, तो यहाँ से एक नई शूट आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है हमारे जो गार्डनर होते हैं वो इस ट्रिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो मैं अभी विश्वास नहीं हो रहा, तो दीदी एक और एग्जांपल दिखा दो। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ये रहा ये पत्ता है ना, आपको एक्सिलरी बर्ड दिख रही है छोटी सी, एक सेकेंड। हाँ अब तो आपको परफेक्टली दिख रहा होगा ना, मैंने कैमरा को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। जो ये है हमारा, ये हमारा एक्सिलरी बर्ड है, ये छोटा सा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पूरा पत्ता है, एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा पत्ता है ये, ठीक है, ये पूरा लीफ है, और ये लीफ एक्सिल है, ठीक है। ये वाली जगह जो है, बताई थी ना मैंने, ये वाली जगह लीफ एक्सिल, और लीफ एक्सिल में हमारा एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सिलरी बर्ड, हमारे लीफ एक्सिल में प्रेजेंट है ये। नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर व्यू, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा छोटा सा एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अगर मैं इस पत्ते को निकाल दूँ, वैसे ये अभी इतना मच्योर नहीं है, जब ये मच्योर हो जाएगा तब निकालते हैं, क्योंकि फालतू में पत्तों को निकालना भी ख़राब होता है, क्योंकि वो प्लांट के लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नए ब्रांच में डेवलप हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको जैसे। और अगर हम पत्ते को निकालें भी ना तो प्लांट में अपने आप ही रेसरेक्शन की इतनी पावर होती है कि वो अपने आप, जब पत्ते मच्योर हो जाते हैं ना, अपने आप एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होने लग जाते हैं, नए शूट्स बनाने लग जाते हैं। उनको पता है कि पत्ता अब मच्योर हो गया है, ये अब डीग्रेड होगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे ये लीफ देखिए, ये मच्योर हो गया है, नए लीव्स ये होते हैं, ये प्यारे प्यारे कलर्स के हैं ना, जो ये नए लीव्स होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के, और ये जो एकदम डार्क ग्रीन हो गया, और इनके मार्जिन्स में ब्राउन होकर रखा है, मार्जिन्स में एकदम ब्राउन ब्राउन हो रखा है, तो ये हमारे मच्योर लीव्स होते हैं, ठीक है। तो ये मच्योर लीव्स जो हैं कुछ समय बाद झड़ जाएंगे, या तो आप खुद ही निकाल लो। तो इनके एक्सिल में, मैं आपको एक और मच्योर, सबके एक्सिल में ज़रूरी नहीं, वो प्लांट डिपेंड करता है ज़मीन पे लगा या पॉट में लगा है, ठीक है। पॉट में बहुत थोड़े कम पड़ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसलिए। तो ये रहा हमारा एक मच्योर लीव है, आप इसके एक्सिल से देख सकते हो, एक पूरी की पूरी नई ब्रांच आ रही है, दिख रही है आपको ये रेड रेड पत्ते जो है। मैं थोड़ा सा इसका साइड व्यू लेती हूँ, जिससे हमें पूरा लीफ एक्सिल, और मतलब उस पोजीशन पे एक्सिलरी बर्ड दिख जाएगा। हाँ, तो अब साइड व्यू में बहुत ही क्लियर दिख रहा है ये, और देख सकते हो ये पत्ता है, और ये लीफ एक्सिल से एक बहुत ही प्यारी सी हमारी ब्रांच बाहर आ रही है। ये एक्चुअली में हमारा पहले, हमारा ये एक्सिलरी बर्ड ही था, पर जैसे ये पत्ता उसने देखा डार्क ग्रीन हो गया, ये मच्योर हो गया है, ये अब कुछ ही समय में, मतलब इसको और 5-6 दिन लगेंगे झड़ने में, ठीक है। तो उसके बाद वैसे एक्सिलरी बर्ड डेवलप होना था, पर ये ना अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें है ना प्लांट्स थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, सबको पता होता है ना, रेन वाटर के न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्रांच जो है वो बाहर आया है, ठीक है। अब ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, फिर इसमें भी नए नए एक्जिलरी बर्ड्स आ जाएंगे, फिर उसके और ब्रांचेस बनेंगे, तो इससे प्लांट धीरे धीरे बुशी हो जाता है। ठीक है, तो होप यू आर क्लियर दैट व्हाट इज एन एक्जिलरी बर्ड। ये रही हमारी लीफ एक्जिल, देख सकते हो ये लीफ है पूरी, और ये लीफ एक्जिल है, और यहाँ से ये वाली ब्रांच हमारी बाहर आ रही है एक्जिलरी बर्ड से। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट इज़ क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, हम आगे और भी मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बीन्स के सीड लगाए हैं, उसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। जैसे ही फ्लावर्स आएंगे, जो बीन्स होते हैं वो फैबेसी फैमिली के होते हैं, हम फैबेसी फैमिली के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो बाय।